नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हरिद्वार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पे खड़े हैं। दिन भर मुझसे बहुत सारे टूरिस्ट मिलते हैं और उनका ज्यादातर एक ही सवाल होता है। वो मेरे से पूछते हैं, कोई बोलता है कि हम हरिद्वार में 4 दिन रुकने वाले हैं, कोई बोलता है हम 5 दिन रुकने वाले हैं, हम कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो हर टूरिस्ट की, ज्यादातर टूरिस्ट की यही इच्छा होती है, वो दिन भर कहीं घूम ले और वापस आकर हरिद्वार में रुके, जिससे माँ गंगे माई में स्नान करे और हर रोज आरती देखे और माँ गंगे माई की आरती का आनंद ले। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हरिद्वार से एक एक दिन के 10 टूर। जो एक एक दिन के 10 टूर हैं, उनमें से जो भी टूर आपको अच्छा लगे या जो भी आपको पसंद आए, उसमें से आप टूर चुन सकते हैं और एक टूर रोज अपना सकते हैं। मैं हूँ शशांक। तो पहले दिन का टूर तो आपका हरिद्वार का ही है, जिसमें 6 से 7 घंटे लगते हैं। सबसे पहले आपको कनखल का दक्ष मंदिर देखना है। दक्ष मंदिर के बाद आपको भारत माता साइड के 4 मंदिर हैं, जैसे भारत माता, पावन धाम, भूमा निकेतन, ये सब मंदिर देखने हैं। उसके बाद चंडी देवी और उसके बाद मनसा देवी देखनी है। मनसा देवी के बाद आप हरिद्वार की आरती देख सकते हैं। देहरादून, देहरादून हरिद्वार से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां जाने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। वहां जाकर आप सहस्त्रधारा, बुद्धा टेंपल, टपकेश्वर, रॉबर्ट्स केव और एफआरआई देख सकते हैं। नीलकंठ मंदिर हरिद्वार से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो जिसमें जाने में आधा रास्ता प्लेन है और आधा रास्ता पहाड़ी का है, इसलिए आपको जाने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। वहां जाकर आप भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन कर सकते हैं और वापस आते समय ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता भवन, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन और त्रिवेणी घाट भी देख सकते हैं। मसूरी हरिद्वार से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। आप वहां जाकर परकेश्वर मंदिर, मसूरी लेक, मसूरी माल रोड, कैंपटी फॉल और वापस आते समय अपने बच्चों को डियर पार्क भी दिखा सकते हैं, जो एक जू है। मसूरी बहुत ही सुंदर पहाड़ियों पर स्थित है, उसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। कुंजापुरी देवी ऋषिकेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो हरिद्वार से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहां जाकर आप माँ कुंजापुरी सिद्धपीठ के दर्शन कर सकते हैं। साथ में ही सबसे ऊंची पहाड़ी होने के कारण आप हिमालय भी देख सकते हैं और वापस आते समय ऋषिकेश से 10 किलोमीटर देहरादून रोड पर स्थित माँ मन इच्छा देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। शुक्रताल हरिद्वार से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, कुछ लोग उसे सुखताल भी बोलते हैं। वहां जाने में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। वह गंगा का इतना सुंदर तट है, जहां गंगा पूरब की ओर बहती है। इसका वर्णन आपने भागवत गीता में भी सुना होगा। और शुक्रताल से वापस लौटते समय आप पतंजलि योगपीठ के दर्शन भी कर सकते हैं, जो बाबा रामदेव का। देवप्रयाग हरिद्वार से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। वहां जाकर आप माँ अलकनंदा और माँ गंगा के पवित्र संगम को देख सकते हैं और प्रयाग में स्नान कर सकते हैं। वापस आते समय गुरु वशिष्ठ गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं। सिद्धबली मंदिर हरिद्वार से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो उत्तराखंड के कोटद्वार में है। वहां जाने में आपको
2 से 3 घंटे लगते हैं। वहां जाकर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और साथ में ही सिद्धबली से 10 किलोमीटर की दूरी पर दुगड्डा देवी है, दुगड्डा देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। खाकुंभर देवी हरिद्वार से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने में आपको 3 घंटे लगते हैं। वहां पहुंचकर आप माँ शाकुंभर देवी सिद्ध पीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो एक दिन आप राजा जी नेशनल पार्क में जंगल सफारी कर सकते हैं, उसके बाद ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग का मजा भी ले सकते हैं। ये एक दिन का बहुत ही अच्छा टूर होता है। हम आने वाले टाइम में आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर लेकर आएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है या आपके टूर में कोई मदद करती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।